मोदी जी ने किया कि सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सबके लिए काम करना शुरू किया, और जिसकी वजह से आज की राजनीति में और पिछली राजनीति में बड़ा फर्क है। जनता ने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों की बारी, किस तरह के मुद्दे और किस तरह की तैयारियां हैं आगे जनता के विकास की? सबको आवास, सबको शौचालय, सबको रोजगार, सारी सुविधाएं लोगों को मिले, इस तरह का भारत, आत्मनिर्भर भारत जो मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसमें हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। महिला सुरक्षा और महिला को लेकर आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? महिलाओं को हिम्मत रखने की जरूरत है। बीजेपी की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार उनके साथ खड़ी है। हर तरीके से तन मन धन से हर तरीके से उनको सुरक्षा देने का काम किया जाएगा। समाजवादी सरकार में भी कुछ ही महीनों के लिए मंत्री रहे हैं, इस बार विपक्ष में समाजवादी पार्टी आपके सामने खड़ी, कितने मजबूत रूप में आप समाजवादी पार्टी को देखते हैं? शपथ लेने के पहले ही तमाम अपराधियों और गुंडों ने थानों में जाकर के अपने को सरेंडर कर दिया जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, और कहा मुझे जेल भेज दो, मैं बाहर नहीं रहना चाहता, मैं जेल में रहने का काम करूंगा।